देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग जीपी इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189, देन सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले यदि जीपी की सीरीज क्या होती है, यदि जीपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है, तो हमारे पास जीपी सीरीज होती है फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म होती है अपने पास ए आर क्यू सॉरी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से अप टू एंथ टर्म क्या आ जाएगी ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये हमारे पास जीपी सीरीज होती है। देखो इसमें एन की वैल्यू यदि वन डालोगे तो ए आ जाएगा, एन की वैल्यू टू डालेंगे तो ए आर, यानी कि एन की वैल्यू एन डालेंगे तो हमारे पास ए आर एंथ टर्म होती है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन इंक्रीजिंग जीपी इज 21, फर्स्ट थ्री टर्म्स ये इनका सम 21 है, यानी कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 और देयर स्क्वायर सम इज 189, तो इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो एक का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। ठीक है, इज इक्वल टू गिवन हमें 189। अब इसमें से यदि हम ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 189। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें ए इज इक्वल टू हम 3 एज्यूम करते हैं 3, लेट्स से ए इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे आर की वैल्यू, तो देखो क्या क्या आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस 3 आर माइनस 2 आर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे फैक्टर आ गए आर माइनस 2 एंड आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आर की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड माइनस 3। अब ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग जीपी है, तो इंक्रीजिंग में हम माइनस 3 नहीं लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ए इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू 2 है, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो एक का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 16, तो ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करें तो 189 आ रहा है, यानी यहाँ से ए इज इक्वल टू आएगा 3 एंड आर इज इक्वल टू आएगा 2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ जाएगी। अब हमें चाहिए देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हम सबसे पहले ए पी बनाएंगे तो सॉरी जी पी बनाएंगे, तो ए आर स्क्वायर एंड ए आर टू द पावर एन माइनस 1, तो इसमें ए इज इक्वल टू तो क्या है ए इज इक्वल टू हमारे पास 3 एंड 3 इंटू 2 3 इंटू 2 आर टू का स्क्वायर एंड 3 इंटू 2 का क्यूब, इस तरह से ये चलती जाएगी और 3 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से इसका सम चाहिए हमें, तो एस एन इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 3 सब में से कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस ये जाएगा अप टू 2 एन माइनस 1 एन टर्म्स है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू, ये हमारे पास एन टर्म्स का सम है, इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1। ठीक है, इंटू आर आर क्या है यहाँ पे 2, तो 2 नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो अपने पास सम आ जाएगा इनका 3 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1, ये इस सीरीज का सम होगा। ठीक है, 3 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इजी है।